इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं रुद्रप्रयाग में तैनात 11 मराठा रेजिमेंट ने भी आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सेना के जवानों ने बहादुरी से जुड़े अनेक कर्तव्य दिखाए। इस कार्यक्रम में रुद्रप्रयाग के 5 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया, जबकि रेजिमेंट की बैंड धुनों का छात्र और स्थानीय जनता ने आनंद लिया। सेना की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। के आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज आपका यहाँ पे प्रोग्राम था, क्या कुछ इसमें हुआ है? आज इस प्रोग्राम में सुबह सुबह सबसे पहले बच्चों के लिए एक मैराथन कराई गई, जिसमें 8 से 17 साल के बच्चों ने भाग लिया। कुछ 150 बच्चों ने करीब पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमने 5 लड़कों और 5 लड़कियों जो पहले आए उनको अवार्ड भी दिया। उसके बाद हमारे ब्रिगेड की तरफ से हमने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमारे 11 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने मलखम का प्रदर्शन किया। उसके बाद एक बैंड डिस्प्ले किया गया। ये पूरा प्रोग्राम आज की यूथ को, बच्चों को फौज ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करने के लिए, देश के लिए अच्छा करने के लिए मोटिवेट करने के लिए किया गया। वही स्कूली बच्चे इन हथियारों के बारे में सेना के जवानों से जानकारी लेते रहे। इस दौरान बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम पूरा? ये कार्यक्रम जो है वो बहुत ही इंस्पायरिंग था। आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे प्री सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आज के दिन जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल दिखाए गए आर्मी के द्वारा और वेपन डिस्प्ले भी कराया गया और फिर रिफ्रेशमेंट की तैयारी भी यहाँ पे की गई और परेड वगैरह भी दिखाई गई। अच्छा लगा। वही गढ़वाल राइफल से रिटायर्ड सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी ने बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, और जो सरकार का आज़ादी का महोत्सव हर घर तिरंगा महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए सभी को बधाई। मैं ऑनरेरी सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी गढ़वाल राइफल से ताल्लुक रखता हूँ और मैं यहाँ पे सैनिक संगठन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आज ये आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ पे जो आज़ादी के महोत्सव मना रहे हैं, इसके लिए नैन ब्रिगेड 11 मराठा लाई को मैं बधाई देता हूँ। और जो अभी सरकार का आज़ादी का महोत्सव है, घर घर तिरंगा हर घर में तिरंगा, यही महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। और सबको मेरी तरफ से बधाई और मराठा लाई को भी बधाई और अपने पत्रगण सभी भाइयों को मेरा। 11 मराठा रेजिमेंट के जवानों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही सेना के जवानों ने अनेक कर्तव्य दिखाए। वही स्कूली छात्रों के बीच सेना के हथियारों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी रही। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।